Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well, fit and fine. This is our fifth video of class 4 of unit number 1. ये हमारी fifth video है class 4 की unit number 1 की, जिसमें हम अपने long question answers को discuss करेंगे. इससे पहले video में हमने short question answers अपने डिस्कस किए थे, ठीक है. आई होप यू ऑल विल रिमेंबर. आपको याद होगा हमने एक छोटी सी समरी की चैप्टर की डिस्कस की थी, उसके बाद हमने फ्लावर की डायग्राम बनाई थी, हमने सनफ्लावर की डायग्राम बनाई थी. आई होप आप लोगों ने ये सनफ्लावर की डायग्राम ड्रॉ की होगी. मैं एक बार फिर आपके लिए रिकॉल कर देती हूँ, आप क्या ड्रॉ करेंगे. इसमें सीड्स, सीडलिंग की हेडिंग है, देन यू हैव प्लांट एंड देन यू हैव अ फ्लावर. ओके, क्लियर. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सनफ्लावर. ये आपकी डायग्राम है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी थे आपके फोर. आई होप आप सब ने वो काम कर लिया होगा. नाउ हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास. नंबर वन है, वी हैव टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. वी हैव ओनली टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर वन इज एक्सप्लेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्वेश्चन नंबर वन आपका है, आपने थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स के एक्सप्लेन करने हैं. फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी हैव टोटल सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है. हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारे पास कितने हैं, सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब ऐसा है कि हमें जब कहा गया है कि ये आप लोगों ने करने हैं, ओके. सो सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, हमारे पास इसके ठीक हो गया. सो सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, हमें इधर ओनली थ्री डिस्क्राइब करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थ्री मांगे हैं. आपने चैप्टर में थ्री पढ़े हैं, हमारे पास चैप्टर में थ्री हैं. ऐसे सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, ये आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल थ्री के बारे में हमने पढ़ा है. सो इन आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वी हैव टू जस्ट आंसर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, विच इज़ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट. कौन सा है वो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट. द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, क्या है, द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट. क्या है, द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट. क्लियर, ग्रोथ. अब नंबर वन में आते हैं हम, ग्रोथ. ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. हमारा वन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर वन इट इज़ ग्रोथ. एंड क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. हमारे पास जो सब लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो जो भी हैं वो ग्रो करते हैं. दे कैन ग्रो, क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं. हमारे पास सब जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, दे कैन ग्रो. सो ग्रोथ पैरा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. क्लियर. आपका क्वेश्चन नंबर वन है, आई विल रिपीट वंस अगेन फॉर यू पीपल, एक्सप्लेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या है, एक्सप्लेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. क्लियर. सो व्हेन यू विल राइट द आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द स्टार्टिंग लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द स्टार्टिंग लाइन. द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, देन यू विल टेल द नेम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. आप इन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स के नेम बताएंगे, जिसमें आता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट. ठीक हो गया, क्लियर. गिव द हेडिंग ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ की आपने हेडिंग दे दी, आपने लिखा ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. क्या लिखा आपने, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. अब हम आते हैं नंबर सेकेंड वन पे, इट इज़ रिप्रोडक्शन. ये हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन है. इट इज़ रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, तमाम लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, अपने जैसे बेबीज बनाते हैं. सो नंबर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो.
all living things can grow and all living things can reproduce. Clear, growth and reproduction. Now number third, पे आते हैं जो है movement. Movement क्या है? एक जगह से दूसरी जगह move करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना. इंसान भी movement करते हैं ना, आप जाते हैं बाजार जाते हैं, आप market जाते हैं, आप play land जाते हैं, wherever you go, you show movement. आप घर में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रूम से दूसरे रूम में गए, लाउंज में आए, किचन में आए, so this is also the movement. So animals move from place to place. Animals move from place to place. ठीक है, ये एनिमल्स की मूवमेंट है. एनिमल्स क्या करते हैं? प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. नाउ ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट. अब प्लांट्स में जो कुछ पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट होती है. प्लांट्स सारे जो है, सब प्लांट्स मूव नहीं करते. प्लांट्स के कुछ पार्ट्स कैसे मूव करते हैं? हमारे पास सनफ्लावर की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी जब हमने आपको डायग्राम करवा दी थी. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल दैट सनफ्लावर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ सन. सनफ्लावर क्या करता है? सन की डायरेक्शन में मूव करता है. क्लियर एवरीवन? इसके अलावा जो हमारे पास टच मी नॉट प्लांट है, ग्रीन कलर का टच मी नॉट प्लांट है, जिसके लीव इनक्लोज्ड होते हैं, व्हाट हैपेंड टू दैट प्लांट व्हेन यू टच इट? वो उसके लीव्स बंद हो जाते हैं. क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं. क्लियर एवरीवन? ठीक हो गया. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर वन. आई विल रिपीट वंस अगेन फॉर यू पीपल. ठीक है, एक्सप्लेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट. नाउ ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओनली सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट. क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ कम टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन नंबर टू. इट इज़ कंपेयर द लाइफ साइकिल ऑफ बी एंड फ्रॉग. आपने क्या करना है? कंपेरिजन करना है लाइफ साइकिल बी का एंड लाइफ साइकिल फ्रॉग का. ठीक हो गया. आई हैव अ डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. मेरे पास फ्रॉग की लाइफ साइकिल की डायग्राम है. आई विल शो यू फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसे चलता है. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है. ठीक है, आई विल रिपीट वंस अगेन फॉर यू पीपल. क्या होता है? फ्रॉग के एग्स होते हैं. What happened then? Tadpoles आते हैं and then it converted into adult frog. ये frog में convert हो जाता है. Clear? जो bee होती है, bee का जो life cycle है, it is similar to butterfly. लेकिन उसका जो pupa होता है, here it is, ये जो bee में होता है, same it is like the butterfly. ये butterfly के same होता है. ठीक हो गया. अब जो मेन चीज़ समझानी है आपको वो ये है कि मेटामॉर्फिसिस क्या है. पहले हम ज़रा क्वेश्चन करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन मेटामॉर्फिसिस. ये भी आपको हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन फॉर यू. नाउ क्वेश्चन इज कंपेयर द लाइफ साइकिल ऑफ बी एंड फ्रॉग. दिस इज योर क्वेश्चन. यू विल राइट स्टार्टिंग लाइन कंपेरिजन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बी एंड फ्रॉग. आप लोग बीच में लाइन लगाएंगे बिकॉज दिस इज कंपेरिजन. तो आप बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे आप स्कूल में करते हैं. यू विल यूज़ योर कॉपी फॉर इट. बी की हेडिंग गई एंड फ्रॉग की हेडिंग. फ्रॉग में आया, बी ले एग्स इन देयर बी हाइव्स. बी अपने बी हाइव्स में जिधर वो शहद बनाती है, जहाँ पे हनी बीज जो होती हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हनी बीज. हम हनी बीज की बात कर रहे हैं. सो हनी बीज जो हैं ये अपने बी हाइव्स में जो छत्ता होता है इनका, मक्खियों का, ये उसमें अपने एग्स देती हैं. फ्रॉग अपने एग्स वाटर में ले करता है, लैंड पे नहीं करता. सो फ्रॉग ले एग इन वाटर. देयर आर फोर स्टेजेस इन बी लाइफ साइकिल. बी लाइफ साइकिल के कितने स्टेजेस हैं? फोर. एंड देयर आर थ्री स्टेजेस इन फ्रॉग लाइफ साइकिल. फ्रॉग लाइफ साइकिल में थ्री हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम शो किया. कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस टेक्स प्लेस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिसिस टेक्स प्लेस. नाउ व्हाट इज मेटामॉर्फिसिस? हम पहले बता चुके हैं आपको, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू. मेटामॉर्फिसिस वो प्रोसेस है जिसमें जब एग जो है वो प्रोड्यूस होता है तो वो अपने फोर स्टेजेस से गुजरता है, तो वो कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस है. जिन जो ये हमारे पास जो ये फ्रॉग्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जो एग ले करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो एग ले करते हैं, उनके जो एग्स हैं वो थ्री स्टेजेस से गुजरते हैं, फोर से नहीं गुजरते. उनमें जो मेटामॉर्फिसिस है, वी कॉल इट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिसिस. ऐसे एग को पास होने के लिए, बड़ा होने के लिए फोर स्टेजेस प्रॉपर होते हैं, लेकिन जो थ्री होते हैं दे आर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिसिस.
I hope this is clear to you. We will meet in next video, inshallah. See you. Till then, bye. Allah Hafiz.